या फिर ये होना चाहिए जैसे हॉलीवुड स्टार्स ये करते हैं, अगर क्लिंट ईस्टवुड एक ही तरह के रोल करते हैं मगर कम से कम 2-3 साल का गैप तो होता है बीच में, हम क्या करते हैं एक ही रोल कर रहे हैं और 1000 दफ़ा कह रहे हैं और रोज़ कर रहे हैं, उससे ना अपने आप से कोफ्त होने लगती है, जो मुझे होने लगी थी दरअसल कि मैं क्या कर क्या रही हूँ। गेटअप भी वही होता है हमारा, बहुत से बहुत कहीं अंधे बन गए तो कहीं गूंगे हो गए, कहीं ये यू नो इस तरह का। तो मैंने कहा दिल उकता गया था। कोई रोल ऐसा रह गया जिसे आप करना चाहती थी? एक रोल था जो बहुत साल पहले, मेरी शादी से पहले भी मैंने किताब पढ़ी थी, लीव हर टू हेवन, वो अंग्रेज़ी में बनी भी थी फिल्म, हालांकि मैंने देखी नहीं थी। वो एक कैरेक्टर मुझे बहुत फैसिनेट करता था मगर ट्रिकी था, क्योंकि वो रोल इस तरह का था, एक लड़की है जो अपने काविन से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि एक हद तक ऑब्सेशन होता है उसको, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे से भी अपना मियाँ ज़्यादा देर वक्त गुजारे तो इसको नहीं अच्छा लगता था। तो वो ऑन द एज ऑफ पागलपन एंड नॉर्मल के इस पे था, तो वो करना मैं सोचती थी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको स्टडी करके, कि पागल भी नहीं होना चाहिए और नॉर्मल भी नहीं है, यू नो। मैं जब कभी मैंने इसका जिक्र करती थी डायरेक्टर्स को, वो कहते थे आपने इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सोचा है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत अच्छा रोल है कि यू नो कि पागल है भी और नहीं भी है, मियाँ से प्यार करती है वो तो हिंदुस्तानी को बहुत अच्छा लगता है, मगर यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी उसको जेलसी होती है, तो रिस्की सब्जेक्ट है, कोई नहीं उस चीज़ को छेड़ना चाहता था। चलेगी नहीं मैं इन थिंग के चलेगी नहीं। अच्छा, ये फिल्म लाइन आप रेकमेंड करेंगे लोगों को ज्वाइन करने को? क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है एक हद तक, क्योंकि आजकल इसका देखने का अंदाज ढंग पब्लिक में इस बात की मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने कहा था मुझे बड़ा हेजिटेशन होता था मगर फिर भी मैं चली आई, और आजकल एक इंडस्ट्री की और आर्टिस्टों की इतनी इज्जत और कदर पब्लिक में ऑडियंस में होती है, सो ये भी एक तरह का सीरियस प्रोफेशन हो गया है लोगों के लिए। अगर आपके बच्चे जाना चाहें तो आप उन्हें कहेंगे जाओ बेटा? हाँ, अगर वो जाना चाहें तो मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मुझे हक नहीं होता, क्योंकि जब ने जो काम मैंने किया मेरे हस्बैंड ने किया वो काम बुरा नहीं हो सकता, और मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि काम कभी कोई बुरा नहीं, आप किस तरह पेश आते हैं, हाउ यू बिहेव दैट मेक्स यू, कि इफ़ ए डॉक्टर मिसबिहेव्स ऑल द टाइम कहेंगे यू कांट से कि डॉक्टर का प्रोफेशन ख़राब है,